आम आदमी पार्टी के लिए राहत भरी खबर, सांसद संजय सिंह को मिली जमानत। कोर्ट में ईडी ने बेल का नहीं किया विरोध, संजय सिंह को लेकर बोली आप सत्य की जीत। संजय सिंह की जमानत के बाद बोली पत्नी अनीता सिंह, कहा सारे आरोप बेबुनियाद, केजरीवाल सिसोदिया सत्येन जैन भी जल्द बाहर आएंगे। केजरीवाल के आवास पर आप विधायकों की बैठक, एक सुर में बोले इस्तीफा ना दे केजरीवाल, जेल से ही चलाए सरकार। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का दावा, कहा करीबी के जरिए बीजेपी में शामिल होने का बनाया गया दबाव, किसी धमकी से डरने वाली नहीं। पीएम मोदी ने रुद्रपुर में विपक्ष पर किया जमकर वार, इमरजेंसी की मानसिकता वालों को लोकतंत्र पर भरोसा, कोई और होता तो मौज करता, मोदी मौज के लिए नहीं मेहनत के लिए पैदा हुआ। 7 अप्रैल को चक्रवात प्रभावित इलाके जलपाईगुड़ी में रैली कर सकते हैं पीएम मोदी, पीड़ित परिवार से करेंगे बातचीत। अमित शाह ने दक्षिण में जीत का किया दावा, कहा कर्नाटक में सभी 28 सीटें जीतेगा बीजेपी जेडीएस गठबंधन, कांग्रेस को खाता नहीं खोलने देंगे। कांग्रेस से जारी की उम्मीदवारों की नई लिस्ट, 17 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान, कटप्पा से वाई शर्मिला को मिला टिकट। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला, 4 मुद्दों पर रखी अपनी बात। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद अनंतनाग रजौरी लोकसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। मेरठ में बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल ने अपना नामांकन दाखिल किया, डेबडी सेम केशव प्रसाद मौर्य के साथ नामांकन भरने पहुंचे। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले लिस्ट जारी की, 114 उम्मीदवारों की घोषणा। अखिलेश यादव का लोकसभा चुनाव को लेकर तंज, कहा यह चुनाव चंदा वसूली के खिलाफ होगा, चंदा वसूली के लिए ईडी और सीबीआई पर दबाव डाला गया है। कांग्रेस से उखड़े नजर आए बद्रुद्दीन अजमल, कहा कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने मुसलमानों को भिखारी बना दिया, वोट क्यों देगा मुसलमान। पंजाब में आप ने जारी की लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, आनंदपुर साहिब से उम्मीदवार बने मलविंदर सिंह कंग और राजकुमार चब्बेवाल होशियारपुर से लड़ेंगे चुनाव। राहुल साहब की कोर्ट में दिल्ली शराब नीति केस को लेकर मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई, 6 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। राहुल गांधी ने फिर ट्वीट कर साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार पर निशाना, कहा अब भ्रम और भय का जाल तोड़कर सच्चाई सामने आ रही है, जनता खुद ने आईना दिखाने को तैयार बैठी। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में 12 अप्रैल को होगी सुनवाई, बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दायर की थी 6 साल पहले शिकायत। ईडी ने महुआ मोर्चा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया, कैश फॉर क्वेरी मामले में संबंधित सीबीआई की एफआईआर के आधार पर किया गया मामला दर्ज। रेत खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के सामने पेश नहीं होने पर तमिलनाडु के सभी कलेक्टर्स को लगाई कड़ी फटकार। मैसूर में सीएम सिद्धरमैया कर्नाटक जल संकट पर बोले, मीडिया को अटकलों पर नहीं रिपोर्ट करनी चाहिए, कार्रवाई यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि राज्य के किसी भी हिस्से में पानी का समस्या ना। बिहार के नियोजित शिक्षकों को मिली हाईकोर्ट से राहत, सक्षमता परीक्षा में फेल होने पर भी नहीं जाएगी शिक्षकों की नौकरी, 3.5 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों को फायदा मिलेगा। अयोध्या रामनवमी के लिए पूरी तरह तैयार, मंदिर के उद्घाटन के बाद से अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के कर चुके हैं दर्शन। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया देश में संभावित लू की स्थिति पर करेंगे चर्चा, तैयारियों की समीक्षा के लिए कल करेंगे बैठक।